नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैश भी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। पीएम मोदी का आसाम दौरा, बोले कभी यहाँ बम गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज तालियां गूंज रही हैं। 90 वर्षीय पद्मश्री अवार्डी से खाली करवाया गया सरकारी आवास, 8 अन्य कलाकारों को 2 मई तक अल्टीमेटम। दुल्हा दुल्हन स्टेज पर ही हुए बेकाबू, एक दूसरे पर की थप्पड़ों की बरसात, तो कॉमेडियन बोले अभी तो लाइफ शुरू हुई है। पड़ोसी ने 6 साल के बच्चे पर फेंकी जलती गेंद, अस्पताल में बच्चा, परिवार ने मांगी मदद। कोविड से मौत पर मुआवजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। 5 राज्यों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी, देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री पर पारा। ट्विटर डील कैंसिल कर सकते हैं एलन मस्क, 7,600 करोड़ का लग सकता है जुर्माना। शख्स ने खरीदी पुरानी अलमारी, खोलते ही निकला 1 करोड़ कैश। अब बिक रहा सोने का मास्क, कोरोना भगाइए ख्वाहिश भी पूरी करिए। कोरोना का अगला वेरिएंट बढ़ाएगा चिंता, WHO ने जारी की चेतावनी। बीजेपी ने दिल्ली के 40 गांवों के नाम बदलने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा। यूपी में अब तक 18,000 लाउडस्पीकर हटाए गए, 40,000 की आवाज कम की गई। महाराष्ट्र पुलिस ने SUV से 89 तलवारों की बरामद, 4 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर, गृह मंत्रालय से सुंजवाम में CISF की बस पर हुए हमले की जांच NIA को सौंपी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे की अंतरिम अग्रिम जमानत 14 जून तक बढ़ाई। मायावती बोली, मैं PM या UP CM बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। IIT मद्रास में कोरोना वायरस के अब तक 171 मामले सामने आए। राज ठाकरे ने की CM योगी की तारीफ, बोले दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में योगी नहीं होगी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, युद्ध से यूक्रेन को अब तक $600 अरब का हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 62 आतंकी ढेर, इनमें 15 विदेशी भी शामिल। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने आदित्य ठाकरे से मुंबई में की मुलाकात। आज हैदराबाद में तेलंगाना के CM KCR से मुलाकात करेंगे झारखंड CM हेमंत सोरेन। सभी फ्लू टैक्स का 68% केंद्र लेता है, तो कोयले की कमी, बढ़ती कीमतों के लिए राज्य दोषी कैसे, राहुल गांधी। केजरीवाल के घर पर हमले का मामला, आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी सूर्या। ट्रक के नीचे आ ही गया था बच्चा, बचाने के लिए मां ने जो किया आप सोच भी नहीं सकते, कमजोर दिल वाले ना देखें। HD कुमार स्वामी ने कहा, एक्टर सुदीप का बयान सही, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं। सियासत से फिर सिविल सेवा में लौटे IAS अफसर शाह फैजल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, 3 की मौत। लखनऊ मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट में युवती के साथ छेड़छाड़। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। चंद मिनटों में डर और दहशत से सिरहन पैदा करने वाली शॉर्ट फिल्म, देखने के बाद उड़ जाएंगी नींद। जायद खान का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देख रह जाएंगे हैरान, ऋतिक रोशन को कहा थैंक्स। जो बाइडेन अगले महीने टोक्यो में PM मोदी से करेंगे मुलाकात। यूपी में कोयले की कमी से बिजली संकट बढ़ा, रेलवे ने रद्द की 8 एक्सप्रेसवे ट्रेन। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल थे। ब्रिटेन की अपील, रूसी हमले की आलोचना करने वाले देश यूक्रेन को हथियार दे। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे UN चीफ, जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन खार्किव में मिसाइल हमले में 1 की मौत। रेलवे ने रद्द की 8 एक्सप्रेस ट्रेन। थर्मल पावर प्लांट में लगी गाड़ियों को रास्ता देने उठाया कदम। दिल्ली बंदूक के फर्जी लाइसेंस बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया, 15 लाइसेंस बरामद। KP एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।